भाऊजी मार के ले जाता है, बिना मारे ले जाता है, चुपचाप ले जाएगा, लगेगी तो नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और रोमांचक वीडियो में, यूनिक समय के में। आज हम आपको लेकर आए हैं वृंदावन की गलियों में, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने रास रचाया था। और ये शायद ही दुनिया में ऐसी जगह है जहाँ पे पूरी धरती पे से लोग आते हैं यहाँ पे, चाहे आप विदेश में से लेकर चलें, चाहे आप देश के अलग अलग राज्यों में माने, आप हर जगह से यहाँ पे, पूरी प्रांत से यहाँ पे जगह जगह अलग अलग लोग आते हैं और सभी भगवान श्री कृष्ण और राधा के लिए पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिक वीडियो आज हम शूट कर रहे हैं ये बताने के लिए कि हमें सुनने में आया था कि यहाँ पे बंदर क्या कहते हैं चश्मे ले जाते हैं, लोगों के मोबाइल पर्सेज और जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सब ले जाते हैं। हाल में अभी वृंदावन में हमारे राष्ट्रपति साहब भी आए थे और उनकी, जैसा कि अभी एक लोकल से हमें पता लगा है कि उनकी सिक्योरिटी के लिए हाल ही में अभी हमें पता लगा है यहाँ के लोकल से कि राष्ट्रपति साहब भी वृंदावन आए थे और उनके चश्मे की सिक्योरिटी के लिए कम से कम 40-50 कमांडो टाइप पुलिस वाले सब यहाँ मौजूद थे। मतलब आप देखिए बंदर से सिक्योरिटी के लिए कितनी ज़्यादा मैन पावर यूज़ करी गई हमारे राष्ट्रपति जी के चश्मे को बचाने के लिए। अच्छी बात है, मैन पावर इसीलिए काम आती है। तो आज की वीडियो में आपको यही दिखाएंगे कि कैसे बंदर चश्मा ले जाता है और कैसे वो आपको वापस करेगा। तो दोस्तों अभी इस समय हम वृंदावन की गली के अंदर मौजूद हैं और अभी हम जो आपसे बात कर रहे थे कि यहाँ पे बंदर जो है सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद अगर किसी का दिमाग है तो बंदर का दिमाग है यहाँ पे। मतलब बंदर जो चीज़ ले जाएगा आपकी वो कुछ भी ले जा सकता है, आपका जो सबसे बहुमूल्य होगा उसके रिगार्ड में अभी एक शॉप पर हम रुके हैं, एक दुकान पर, और एक भैया जी से बात करेंगे कि यहाँ कैसे बंदर प्रक्रिया करता है, क्या करता है। तो भैया आपका शुभ नाम क्या है? सौरभ शर्मा। तो भैया सौरभ शर्मा, तो भैया मुझे आप ये बताइए कि ये वृंदावन में ही क्या कहते हैं बंदर जो है क्या चश्मे ले जाते हैं, वृंदावन के बाहर भी ले जाते हैं? वृंदावन मथुरा तक ले जाते हैं। और यहाँ पे जो बंदर चश्मे ले जाते हैं, चश्मे ही ले जाते हैं सिर्फ या कुछ और भी ले जाते हैं? पर्स, मोबाइल, प्रसाद वगैरह सब ले जाते हैं। तो उनको ये कैसे पता लगता है कि पर्स, मोबाइल वगैरह ये सब लेकर जाना है, और कोई बड़े आइटम क्यों नहीं लेकर जाते? बड़ा जितने आसानी से उनको पकड़ा जा सके वो ले जाते हैं, उनकी जैसी आसानी होती है उस तरीके से वो ले जाते हैं। और दिन भर में तकरीबन ये कितने चश्मे वश्मे की वारदातें हो जाती होंगी बंदरों की? ऐसे तो सारे दिन चलती है, दोपहर में थोड़ा कम हो जाते हैं लोग बाग, तो उसमें वो हो जाता है फिर नहीं ले जाते। तो फिर ये चश्मा कोई ले गया मान के चली बंदर, या कोई पर्स ले गया, या किसी का मोबाइल ले गया, तो फिर वापस कैसे करेगा, वापस कैसे पाया जाएगा कि वो मतलब देना देगा वो? वो फ्रूटी के द्वारा या केले या चश्मा वगैरह, वो केले और वो चने फ्रूटी से ले, मतलब खाने के आइटम अगर हम उसको वापस करेंगे देंगे मतलब उसको, हाँ। तो वो हमें हमारा चश्मा या वो घड़ी वगैरह मोबाइल वगैरह वापस करेगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी भैया से पूछा कि कैसे बंदर चश्मा ले जाता है, आज हम आपके लिए एक मेन बढ़िया चीज़ लेकर आए हैं कि आज हम लाइव एक्सपेरिमेंट करेंगे इसी चीज़ के ऊपर। मैं एक अपने साथ डमी चश्मा लेकर आया हूँ, डमी चश्मे को हम पहनेंगे और उसी एरिया में निकलेंगे जहाँ पे बंदर क्या कहते हैं मोस्ट प्रोबेबली चश्मे को लेकर जाते हैं। तो आप सब लाइव रहिएगा, थोड़ा सा खतरनाक है चीज़ मगर हम ट्राई करेंगे इसको, देखते क्या होता है। तो आप सब देखते रहिए। तो दोस्तों ये डमी चश्मा हमने ले लिया है, गली में मौजूद है, देखिए आपको उधर बंदर दिख रहे होंगे, है ना, बंदर दिख रहे होंगे। अब ये डमी चश्मा मैं लगाता हूँ, थोड़ा सा ऑकवर्ड है चश्मा, और हम आगे जाके देखते हैं, देखते क्या होता है। तो डमी चश्मा तो लगा लिया है, देखो थोड़ा सा डर तो लग ही रहा है कि है तो वो जानवर ही बंदर, मारे वारे नहीं, खरोचे वरोचे नहीं, नॉर्मल चश्मा ले जाए। मगर हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ से बंदर चला जाता है, यहाँ से भी चले गए बंदर। आप ये बताओ यहाँ से पक्का ले जाएगा चश्मा? हम चाहते हैं ले जाए, चांस की बात है, पक्का कुछ नहीं है, चांस की बात है, देर पर गया, दिख गया। नहीं हम चाहते हैं ले जाए भाई, तू लाइव रखियो,
मैं चलता हूँ, देखते हैं क्या होता है। हम खड़े हो गए हैं केले वाली आंटी के पास। हमें बताया है किसी ने कि यहाँ से बंदर चश्मा ले जाता है। हम खड़े तो हैं, देखो लेकर जाता है कि नहीं। वो बड़ा वाला है वो तो बंदर यार, वो तो मार के ले जाएगा। अबे उस बड़े वाले वो देखना, उसका साइज देख बंदर का भाई। तूने मछली समझ रखा है, कांटा फंसा रहे हो तुम। बाबूजी मार के ले जाता है, बिना मारे ले जाता है, चुपचाप ले जाएगा, लगेगी तो नहीं। हाँ चश्मा ले जाएगा ना, वही चाह रहे हैं बस मार। हम बाबा के पास में खड़े हो गए हैं ये करने के लिए, बैठ जाए। कितने लोग कोशिश करते हैं फिर कोई भला मानुस आगे ले गया, ले गया। आ रहा हो, बोलो मत। तो दोस्तों ये देखिए, हमने अभी आपके सामने लाइव शूट किया, बंदर ने हमारा चश्मा ले लिया। अब ये केला ले लिया है, उसको देते हैं। केले पहले यही लेगा भाई साहब है। हाँ। मतलब आपके हिसाब से पहले ये बंदर ले, इसका कमीशन है। तो आप सब देख रहे हैं, भैया बता रहे कमीशन है बंदर का। बंदर पहले ये वाला बड़ा वाला केला लेगा। अब आप देखो गौर से, वो बंदर उससे बातचीत हो रही है कि चश्मा तू लौटाएगा तब केला मिलेगा। बेटा ले, बेटा केला खाएगा, चश्मा वापस कर दे हमारा। ले ले, अरे वाह चश्मा। चश्मा आया कि डंडी आई? देखो भाई साहब, बंदर ने चश्मा काट के वापस कर दिया। वीडियो बना रहे, बिना केले के मिल गया। हम पहले आदमी इसको चश्मा बिना केले बिना कुछ दिए मिल गया। इतनी मेहनत करी। चलो उसको कमीशन तो दे ही देते हैं उसका। ले बेटा, बेटा केले केले, कमीशन तो दे ले। क्या बात है, गजब कैच। देख इधर ला। तो दोस्तों आपने मेन चीज समझ में आ गई होगी, इंडियन क्रिकेट टीम में सारे कैच लेने वाले खराब हैं। इनको लगाओ तो परफेक्ट कैच होगा, सारी टीम आउट होंगी। तो आज का सेशन हमारा बहुत खूबसूरती से रिकॉर्ड हो गया। हमने ये डमी चश्मा लगाया और काफ़ी आज वेट करना पड़ा, वहाँ वेट किया, बहुत वेट किया। उसके बाद ये चश्मा हमारा ले गया। अब रिस्क नहीं ले सकते भाई, बहुत रिस्की मामला है। तो दोस्तों आज आपने देखा, हमने आपको नीचे कर ले। तो दोस्तों आज हमने आपको दिखाया कि कैसे वृंदावन की गलियों में बंदर लाइव, दिखाया आपको लाइव कि चश्मा कैसे ले जाएगा। कोशिश तो हमने बहुत करी मगर अल्टीमेटली चश्मा ले गया। तो आप सभी देख पाए कि यहाँ के बंदरों से आप सावधान रहें, बहुत इंटेलिजेंट बंदर हैं। उनको पता है कि आपके मोबाइल, आपके पर्स, आपके चश्मे, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, सब ले जाएंगे।
और खैर हमारा तो उसने क्या कहते हैं बिना ही कुछ केला वेला खाए, बिना कुछ खाए उसने हमें वापस कर दिया। मर हो सकता है आपके साथ ऐसा ना हो, तो आप ध्यान रखें, और वृंदावन कभी आना जाना हो तो चश्मों को आप अपने पास रखें। अब भी मुझे डर लग रहा है कहीं ऊपर से आके बैठ नहीं जाए, तो आप सब ध्यान रखें ना, सेफ्टी रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बने रहिएगा चैनल पे, ऐसे ही हम आपके पास और मज़ेदार कुछ यूनिक सी चीज़ें लाते रहेंगे आपके लिए दिखाने के लिए, जैसे आपका मनोरंजन और आपको ज्ञानवर्धक चीज़ें और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको समय समय पर मिलती रहें आपको सारी की सारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए। मैं था मयंक, राम राम।